हाय गर्ल्स, माय नेम इज़ वानी एंड फैसल टैबलेट चैनल में आपका फिर से वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो तो आपको किस तरीके से साड़ी वेयर करनी चाहिए जिससे आप लंबे दिखो, ठीक है, आपकी हाइट बिल्कुल कम ना लगे। अगर आपकी हाइट कम है तो ये मैटर नहीं करता है, आप उसको इतना ज़्यादा सोचो मत, परेशान मत हो अपनी उस कमी को लेकर, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने हर एक चीज़ समझाई है, तो आप देखना फुल वीडियो और आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर आप साड़ी पहनने के लिए सच में सोचते हैं बहुत ज़्यादा कि मैं शॉर्ट हाइट हूँ तो नहीं पहनना है या फिर मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मुझे पहली बार देखा है तो आप मुझे मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं छोटे छोटे से शॉर्ट वीडियोस, फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो विदाउट टॉकिंग टू मच वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत शॉर्टली मेन पॉइंट आपको बताऊँगी, बहुत ज़्यादा डीप जाके बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी कि आप जब भी कोई साड़ी पहनते हो या फिर साड़ी लाते हो, चूज़ करते हो अपने लिए, तो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप हमेशा मोनोक्रोमेटिक लुक क्रिएट करने की कोशिश किया करो। आपकी साड़ी जिस कलर की है सेम उसी कलर का आप ब्लाउज़ वेयर करो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी साड़ी में जो भी कलर है और जो भी प्रिंट्स हैं सेम वैसा ही आप वेयर करो, हाँ उससे मिलता जुलता, या फिर आप जैसे कि आपकी साड़ी में बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है, आपका ब्लाउज़ सेम कलर का है बट उसमें कोई हैवी वर्क नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है, आप उसे बिल्कुल पहन सकते हो, वो आपको पूरा मोनोक्रोमेटिक लुक क्रिएट करके देगा, ठीक है। आपको इस तरीके से साड़ी हमेशा वेयर करनी चाहिए। साड़ी ही नहीं बल्कि आपको टॉप है, आपके ड्रेसेस हैं, सलवार सूट है, जींस टॉप जो भी पहनते हैं, ट्राई करो मोनोक्रोमेटिक लुक क्रिएट करने की। इससे क्या होगा, आपकी हाइट का इल्यूज़न क्रिएट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप शॉर्ट हाइटेड हो, और उसमें आप हमेशा लंबे ही दिखेंगे। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगी वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर करता है, वो ये है कि आपकी साड़ी के प्रिंट्स कैसे हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रिंट्स तो नहीं आप चूज़ करते हो, आप बहुत बड़े बड़े हैवी बॉर्डर या फिर हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली आप जो डिज़ाइन होती है साड़ियों में वो वाली साड़ियाँ तो नहीं चूज़ करते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो उसको आप अभी स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं दबा देती हैं और आपकी हाइट और भी ज़्यादा कम दिखने लगती है। तो इसकी जगह पर आपको क्या करना है, छोटे छोटे से स्मॉल प्रिंट्स लीजिए, और साथ में जितनी भी जो भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी अपने लिए चूज़ करते हैं ना, तो वो कोशिश करिए कि छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरीज हो, बहुत ज़्यादा हैवी मोटी एम्ब्रॉयडरी की तरफ नहीं जाना है। बड़े बड़े प्रिंट्स, फूल पत्तियों वाले जो डिज़ाइन होते हैं उनको आपको नहीं चूज़ करना है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ में अपने ब्लाउज़ में भी ये अप्लाई करना है, बहुत बड़े बड़े प्रिंट वाले जो ब्लाउजेस होते हैं वो नहीं चूज़ करने, बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज़ आपको नहीं पहनने, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं दबा देते हैं, आपकी हाइट को और भी ज़्यादा कम दिखाते। तो छोटे छोटे प्रिंट्स लीजिए, स्मॉल प्रिंट्स, और हमेशा ये आपको एक लॉन्गर होने का इल्यूज़न क्रिएट करके देते हैं। और ऑब्वियसली साड़ी फैली हुई होती है तो आप खुद ही सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा बड़े प्रिंट्स होंगे तो आप उसमें कहीं ना कहीं दब जाएंगे और आपकी हाइट कम हो जाती है उससे। जैसा कि अभी मैंने पिछले ऑप्शन में बताया कि आपकी साड़ी का जो बॉर्डर होगा वो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चौड़ा रखेंगे तो वो आपकी बॉडी को डिवाइड कर देता है और मोटे भी दिख सकते हैं उसमें। तो आप हमेशा ये कोशिश करो कि जितनी ही पतली बॉर्डर होगी आपकी साड़ी की, आपकी ब्लाउज़ की, उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप कोशिश करो आपकी साड़ी में बॉर्डर ही ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल बॉर्डर वाली साड़ी मत पहनो, पहनो, बट थोड़ी सी पतली वाली बॉर्डर वाली साड़ी या ब्लाउज़ आप पहन सकते हैं। बट आप चाहो तो पूरी विदाउट बॉर्डर वाली साड़ी या ब्लाउज़ भी ट्राई कर सकते हो, प्लेन, वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, इससे आप कहीं ना कहीं लॉन्गर दिखते हैं। तो अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज़्यादा चौड़े बॉर्डर वाली साड़ियाँ नहीं पहननी है, बट यहाँ पर एक कंडीशन है,
आपको अगर बॉर्डर वाली साड़ी पहनने का मन ही है तो आप ट्राई करो कि आपका जो बॉर्डर है वो सेम कलर का ही हो जैसा जिस कलर की आपकी साड़ी है, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब कलर्स होते हैं कि जैसे आपकी बॉर्डर जो है आपकी साड़ी के कलर से थोड़ा एक दो सेट ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर थीम अपनी साड़ी के लिए चूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि आप एकदम से अलग कलर वाला जो बॉर्डर आता है साड़ी में वो आप पहन लेंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आप थोड़े उसमें मोटे दिख सकते हैं, आपकी हाइट थोड़ी कम दिख सकती है। तो इस तरीके से आप अपने बॉर्डर्स को साड़ी में चूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप अपने बॉर्डर वाली साड़ी को भी पहन सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि बॉर्डर सेम साड़ी के कलर का हो या फिर एक दो कलर ऊपर या नीचे हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर वाली साड़ी भी पहन पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसी साड़ियाँ चूज़ करते हैं जिनमें, और कई बार ट्रेंड के चलते हम चूज़ कर लेते हैं कि हाँ ये चल रहा है तो हमें भी ये ट्राई करनी चाहिए, लेनी चाहिए, पहननी चाहिए। ऐसी साड़ियाँ जिनमें हाफ एंड हाफ जो साड़ियाँ होती हैं, दो कलर आपस में मिलाकर साड़ियों को बनाया जाता है, पल्लू अलग कलर का होता है और जो बाकी का साड़ी का फैब्रिक होता है वो अलग कलर का होता है, तो ऐसी साड़ियों को आपको चूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी आपकी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। आपकी कमर वाले एरिया को, आपके शोल्डर वाले एरिया को, ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है साड़ी में। देन सेकंड, अगर बहुत सारी ऐसे साड़ियाँ आती हैं जिनका ब्लाउज़ कंट्रास्ट कलर में होता है, कलर देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छा मैच होता है उनका और कई बार हमें दूसरों को देखकर भी अच्छा लगता है, बट वो वाली थीम आपके लिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपकी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। कितना भी कंट्रास्टिंग कलर हो, कितना भी अच्छा लग रहा हो उसके साथ, बट ये आपके लिए नहीं है। अगर आप पहनते हो तो कहीं ना कहीं आपकी हाइट दब जाएगी, आप लंबे नहीं दिखेंगे। अच्छा, तो सेकेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है साड़ी में आपको करनी चाहिए, आप अगर अपनी साड़ी खुद से कस्टमाइज़ करते हो या फिर कस्टमाइज़ करवाते हो किसी बुटीक से या किसी और से, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी साड़ी का जो प्रिंट होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेम ही आपका ब्लाउज़ रहना चाहिए। यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप कर सकते हो कि आपका ब्लाउज़ आप प्लेन रख सकते हो, आपकी साड़ी में प्रिंट्स डिज़ाइन वगैरह आप करवा सकते हो, या फिर आपकी पूरी साड़ी आप प्लेन रखिए और आपके सिर्फ ब्लाउज़ में प्रिंट्स और डिज़ाइन डलवा सकते हो। तो यहाँ पर एक टाइम पे आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ में आप मत करवाइए, जैसे ब्लाउज़ में और साड़ी में मत करवाइए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भरा भरा और दबा दबा आपको दिखाएगा। तो एक चीज़ में आप करवाइए। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और आप कर सकते हो, थोड़े बड़े प्रिंट्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, चाहे आपकी ब्लाउज़ चाहे साड़ी में। तो एक चीज़ में आपको अपना कोई वर्क करवाना है, चाहे ब्लाउज हो या फिर साड़ी हो, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट लुक क्रिएट करके देगा और इसमें कहीं ना कहीं आप लंबे दिख सकते हैं। और साथ में आप अपने ब्लाउज में एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप ब्लाउज़ की जो डिज़ाइन होगी, आप चाहो तो स्लीवलेस रख सकते हैं। स्लीवलेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि वो एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करके देता है, स्ट्रेट बॉडी रहती है आपकी, तो उसमें ऐसा लगता है कि आप लंबे हो। आप चाहो तो शॉर्ट स्लीव या लॉन्ग स्लीव्स पहन सकते हो, फुल स्लीव्स भी आप पहन सकते हो, ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप उसके साथ शॉर्ट स्लीव भी ट्राई कर सकते हो, इससे भी आपकी हाइट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ये आपको बहुत ज़्यादा छोटा दिखाएगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं दिखाएगी, बट हाँ नॉर्मल आप इसको पहन सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। कई बार ऐसा होता ही नहीं कि हम पूरी ब्लाउज़ को बंद करवा लेते हैं, स्लीव्स भी पूरी फुल रहती हैं, सारा चारों तरफ से हम बंद हो जाते हैं, तो इस तरीके से अपने आप को हमें कवर नहीं करना है साड़ी में। थोड़ी सी स्किन विजिबल होनी चाहिए जिससे आप थोड़े से लंबे दिखते हैं। ट्राई करना पूरा बंद करके और थोड़ा सा खुला ब्लाउज़ वगैरह आप पहन के खुद को आप देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप किस में बेस्ट दिख रहे हो। तो ठीक है, मैं इसमें एक ऑप्शन दे देती हूँ। अगर आपका ब्लाउज़ फुल स्लीव्स का है, एल्बो लेंथ का है, और आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप उसके साथ वी नेक बनवा सकते हैं, थोड़ी सी उसमें स्किन विजिबल होगी। साथ में एक और प्लस पॉइंट है, उसके साथ आपकी गर्दन लंबी दिखेगी, तो ऑब्वियसली आप लंबे ही दिखने वाले हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप अपने ब्लाउज़ के नेक को आप वी नेक में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वी नेक में बनवा सकते हैं, तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होता है आप लोगों के लिए।
ठीक है, तो आप उसके साथ फुल स्लीव वाला ब्लाउज, एल्बो लेंथ वाला ब्लाउज आराम से पहन पाएंगे। ये ऑप्शन तब आप कर सकते हो जब आप, कई बार ऐसा होता है ना कि स्लीवलेस पहनने में बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो नहीं पहन पाते हैं, तब आप इस तरीके से फुल स्लीव्स का या फिर एल्बो लेंथ का ब्लाउज बनवाइए, उसके साथ आप वी नेक करवाइए, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। नाउ नेक्स्ट सारी स्टाइलिंग टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो ये है कि आपको हमेशा अपनी साड़ी को ऊपर से बांधना है, मतलब वेस्ट लाइन से बांधना है। आपको अपनी जो आपकी मिड वेस्ट होती है वहाँ भी नहीं, आपकी जो लोअर वेस्ट होती है वहाँ भी नहीं, इससे आपकी हाइट कट हो जाती है। आपको हमेशा हाई वेस्ट साड़ी बांधनी है। अब आप बोलोगे कि हम ऊपर से पहन लेंगे तो हमारा टमी वाला एरिया जो 5 इंचेस का मेंटेन करना होता है वो तो ढक जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है उसके लिए, आपको अपने ब्लाउज़ की लेंथ थोड़ी कम करवा लेनी है, लाइक ये वाली जो लेंथ होती है ना हमारे ब्लाउज़ की, तो ये आप थोड़ी सी कम करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो 5 इंच वाला जो गैप होगा टमी एरिया वाला वो भी दिखेगा, और आपकी साड़ी जो है वो हाई वेस्ट आप बांध भी लोगे, और उससे इल्यूज़न क्रिएट होगा कि आप लंबे हो। तो हमेशा इस टिप को ज़रूर ट्राई करें। तो नेक्स्ट सारी स्टाइलिंग टिप्स जो होगी मेरी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए। आप जब भी साड़ी पहनते हो तो आप अपनी साड़ी का जो पल्ला होता है, पल्लू, उसको आप कोशिश करो, आप लंबा लेने की कोशिश करो। जितना ही आप लंबा लोगे उससे एक हाइट का इल्यूज़न क्रिएट होता है, एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करता है आपका पल्ला। तो हमेशा पल्लू को लंबा लीजिए, अपने नी से नीचे तक का पल्ला लीजिए, तो को लंबे होने का इफ़ेक्ट मिलता है। सेकंड, आप चाहो तो ओपन पल्ला स्टाइल साड़ी भी ले सकते हो, पर सेम कंडीशन, पल्लू आपको लंबा ही रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी साड़ियों को हमेशा वियर करिए और कहीं ना कहीं आपको इससे हेल्प मिलेगी। सो गर्ल्स, यही रहे मेरे आज के टिप्स आप लोगों के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।